गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये है ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स। सो ये नया टॉपिक है। अब जो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो तो ये डेफिनेशन है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। द वर्ब्स बी, अब जो वर्ब्स हमारे जैसे कि एम, इज, वॉज एक्सेट्रा, हैव एंड डू, व्हेन यूज्ड विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कि हम नॉर्मली जैसे कि एम, इज, वॉज एक्सेट्रा, हैव और डू, जब ये टाइप की जब हम वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं, जब इनको हम नॉर्मली जब हम इनको ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने जब वर्ब्स पढ़े थे तो वो हमारे सिंपल जो वर्ब्स हैं उसको ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। सो वो ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम टेंसेस फॉर्म कर सकें, क्योंकि टेंस फॉर्म करने के लिए हमको वर्ब चाहिए, पैसिव फॉर्म हम क्रिएट कर सकें, पैसिव और डायरेक्ट फॉर्म जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पैसिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें, क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकें, और नेगेटिव्स, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें कोई चीज़ नहीं हो रही है, सो वो चीज़ उनको फॉर्म करने के लिए जो वर्ब्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो है ये डेफिनेशन है सबसे पहली बात तो। सो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिनको हम, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मोडल वर्ब्स। यानी कि ये तो हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स, नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं मोडल वर्ब्स। सो मोडल वर्ब्स कौन से हैं देखिए हम बता देते हैं आपको।
सो ये हमारी मोडल्स की डेफिनेशन है. दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी. दीज आर नोन एज मोडल वर्ब्स और मोडल्स. सो मोडल्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें मीनिंग, जैसे कि परमिशन, यानी जब हम किसी चीज़ की परमिशन मांगते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज़ के होने की संभावना हम बताते हैं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी कि कोई चीज़ जो डेफिनेटली होने वाली, मतलब जो होके ही रहेगी, सो दैट इज़ नोन एज द सर्टेनिटी. सो टू रिप्रेजेंट सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी कि किसी भी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उनको हम जो रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ, सो उनको हम कहते हैं मोडल्स. सो ये मोडल्स की डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए. अब जिनको हम यूज करते हैं इनके लिए, मोडल्स के लिए, वो वर्ड है हमारे पास तो. ये हैं हमारे मोडाल के वर्ड जिनको हम मोडाल्स के लिए यूज करेंगे. सो ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट. सो इतने वर्ड्स हैं जिनको हम मोडाल्स के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मोडाल्स के लिए. अब ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स, डिफेक्टिव वर्ब्स जिनको हम कहते हैं. सो वो वर्ब्स कौन से हैं आप देखिए, ये हैं तो ये आप देखेंगे कि ये सेम वही वर्ड्स हैं, एक तरीके से तकरीबन ये वही वर्ड्स हैं कि जिनको हम नॉर्मली मोडल्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनको हम कभी कभी डिफेक्टिव वर्ब्स में भी हम इनको काउंट करते हैं, क्योंकि इनमें हम कभी कभी ये हमको जो वर्ड्स यूज़ होते हैं हमको किसी चीज़ को डिमांड करने के लिए या कुछ वॉन्टिंग के लिए एक सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हैं, तो इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी हम कहते हैं. तो ये तो नॉर्मली हम मोडल्स होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि डिफेक्टिव वर्ब्स कौन से होते हैं मोडल्स में. सो मैंने आपको उनको क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो कौन से हैं, सो इनको आप नोट कर लीजिए.
अब जो हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्म है हमारे पास ये है बी। बी के ही हम यूज करेंगे वर्ड इज एम आर वॉज वर बीन और बीन। सो इतने वर्ड्स हम यूज करते हैं बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो सबसे पहला है हमारे पास जो हम इसको ऑक्सिलरीज के लिए हम यूज करेंगे फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस टेंस, यानी इस बी को हम कंटिन्यूस टेंस के लिए जब हम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सबसे पहला जो बनेगा ये बनेगा ही इज वर्किंग। सेकेंड बनेगा आई एम राइटिंग। सो ये दो सेंटेंसेस हैं जिनको हमने यूज करा है यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंटिन्यूस टेंस को हमने यूज करा, देखिए अब यहाँ पे कि इज यूज हुआ है और एम यूज हुआ, तो इज और एम दोनों जो है वो बी को जो है वो बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला हो जाएगा ये। दूसरा अगर हम इसको यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होता है ये होता है कि हम किसी बात को घुमा करते हैं, एक होता है कि सीधे सीधे कहूँ कि जैसे कि आई एम राइटिंग यानी कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कहूँगा तो ये कहूँगा कि इट इज़ बीइंग रिटन बाय मी, तो मैंने कहा कि वो जो लिखा है वो मैंने मेरे द्वारा लिखा गया है, तो हम जब बात को घुमा के कहते हैं तो हो जाता है पैसिव। तो पैसिव में हम लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द गेट वॉज ओपन कि गेट को खोला गया था। सो वॉज जो है ये भी आपका फॉर्म में आ जाएगा बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो ये हमारे पास जो बी जो ऑक्सिलरी वर्ब था हमारा, सो हम उसको इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो ये सबसे पहला टाइप था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी मोडल्स क्या होते हैं, और या हम सिंपली उनको मोडल्स कह सकते हैं, तो वो क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, और कौन से वर्ड्स हम उसमें यूज़ करते हैं जो स्पेशली हम मोडल्स के लिए यूज़ करते हैं, या डिफेक्टिव वर्ब्स कौन से होते हैं, और सबसे पहला फॉर्म था बी, उसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उनको अप्लाई करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।